बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वसीम बेग फ्रॉम डीपीएससी फैसलाबाद, अगेन हियर विद यू ऑल। कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर बुक हमने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यूड है, बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 के कुछ कंटेंट्स, कुछ टर्म्स को हम रिवाइज करते हैं। बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हमने फील्ड को देखा, रिकॉर्ड और फाइल हमने जौन सी वो देखी कि फाइल किस तरीके से जौन सा वो बनती है। फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? फील्ड इज अ यूनिट ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और ग्रेड ऑफ एन एम्प्लॉय इन अ रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय। लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स के लिए। रिकॉर्ड, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फाइल, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल और अ डेटा सेट। सिंपल अल्फाज में जो फाइल्स हैं वो रिकॉर्ड्स के मजमुआ को कहते हैं, यानी सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। और जो रिकॉर्ड होता है वो मल्टीपल फील्ड्स का मजमुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है तो उसमें आप स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे, उसका नाम लेंगे, ये 2 फील्ड्स हो गई। एक उसके पापा का नाम लेंगे, ये 3rd फील्ड हो गई। इसी तरह आप उनका एड्रेस लेंगे, ये 4th फील्ड हो गई। एक और फील्ड मोबाइल नंबर ले लें। इसी तरीके से अगर आपने और फील्ड्स लेनी है तो आप ईमेल या उसकी फी की फील्ड्स ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड एंड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। तो फील्ड क्या है? ए फील्ड इज अ यूनिट ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। जैसे एम्प्लॉय नंबर एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम एक फील्ड है, एम्प्लॉय का ग्रेड एक फील्ड है, और इन फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड बनता है। और रिकॉर्ड जो सा है ये किसी एक ही शख्स या किसी एक ही आइटम के मुतालिक सारी की सारी फील्ड्स का सेट होता है। और जो फाइल है वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स का सेट होता है। जैसे अगर आप कहते हैं स्टूडेंट फाइल, तो उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होंगे जो आपने फीड किए। तो इस तरीके से ये 3 आपकी टर्म्स, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, हम कंक्लूड करते हैं। लेक्चर नंबर 1 को आप दोबारा देखें और ये कंसेप्ट्स अपने क्लियर करें। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 है 2.2, एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स। ये आज हम स्टडी करेंगे। इन द लेट 1960s द रिसर्चर्स केम अप विद एन आइडिया ऑफ यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस इंस्टेड ऑफ फाइल स्ट्रक्चर्स। दे गिव द आइडिया ऑफ डिफाइनिंग अ फाइल एज अ 2 डायमेंशनल अरे और टेबल हैविंग अ यूनिक नेम, प्लेसिंग ऑल द फील्ड्स एज कॉलम्स हैविंग यूनिक नेम्स ऑफ दैट टेबल एंड पुटिंग ईच रिकॉर्ड एज अ रो इन टू द टेबल। ईच रो इज ऑल्सो नोन एज अ ट्यूपल और अक्रेंस इन दैट टेबल। Following these concepts, we can see the traditional file structure into a new and easy to manage database structure called a table or a relation. तो understand करें कि table क्या होता है, set of rows, और हर जो row है उसमें multiple attributes हैं। तो actually यही चीज जो field, row और record है वो यहां पर आपको table, rows और attribute के नाम से दी गई है।
तो आप फील्ड को एट्रीब्यूट कह सकते हैं, रिकॉर्ड को आप रो कह सकते हैं, और जो फाइल है उसको आप टेबल कह सकते हैं। तो अल्टरनेटली यू कैन यूज दीज नेम्स। अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो जो फील्ड है इसको आप कॉलम भी कह सकते हैं और इसको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट इसी तरीके से जो आपके पास रिकॉर्ड है इसको आप रो भी कह सकते हैं और इसको आप ट्यूपल भी कह सकते हैं। और जो फाइल है इसको आप डेटा सेट कह सकते हैं या आप इसको टेबल भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें, फील्ड इज आल्सो नोन एज अ कॉलम और एन एट्रीब्यूट। रिकॉर्ड इज आल्सो नोन एज अ रो और अ ट्यूपल। एंड फाइल इज आल्सो नोन एज अ डेटा सेट और अ टेबल। अब ये डेफिनेशन दोबारा आप जो सी वो देखें, एट्रीब्यूट्स, रोज एंड टेबल्स। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम्स हैं या वो फील्ड्स हैं, जो रोज हैं वो रिकॉर्ड्स भी आप उनको कह सकते हैं और ट्यूपल्स भी कह सकते हैं, और जो टेबल्स हैं दैट इज नोन एज अ फाइल। इसको आप फाइल या फिर आप इसको डेटा सेट का नाम दे सकते हैं। तो ये तीनों टर्म्स जो मैंने आपको बताई, इनके दो दो और नाम हैं जो अभी आपको बता दिए, तो वीडियो को रिवर्स करके आप ये देख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि एट्रीब्यूट्स से रो कैसे बनती है और रोज के सेट को टेबल कैसे कहते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो सा वो सेव करना है डेटाबेस में, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। और अगर आपने मल्टीपल स्टूडेंट्स का करना तो फिर आप स्टूडेंट्स रिकॉर्ड सेव करेंगे। इसके लिए आपको स्टूडेंट नाम की एक फाइल बनानी पड़ेगी और उसका स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो नॉर्मली हम जो ये फाइल क्रिएट करते हैं वो क्रिएट कमांड से ही क्रिएट करते हैं, क्रिएट और साथ में कह देते हैं टेबल, और साथ में टेबल का नाम हम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेबल का नाम रखता हूँ स्टूडेंट INFO, स्टूडेंट इन्फो, और ब्रेसेस में हम उसकी फील्ड्स जो सी वो बताएंगे। जैसे हम कहेंगे रोल नंबर, ये मैंने अंडरस्कोर दिया, ये नेमिंग कन्वेंशन है, जहन में रखें कि आप स्पेस नहीं दे सकते फील्ड के नाम में। रोल नंबर, यहाँ पे आप इसकी डेटा टाइप बताएंगे, जैसे आप कहेंगे नंबर, और फिर आप उसकी विड्थ बता देंगे कि फॉर एग्जांपल 5 विड्थ उसकी हो, यानी 5 का मतलब है इसमें 9999 तक वैल्यू लिखी जा सकती है। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। अगर आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, रोल नंबर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसको 1 2 आप डिफाइन कर सकते हैं। 2 तो कम से कम डिफाइन करें क्योंकि रोल नंबर 50+ हो सकते हैं। उसके बाद आप स्टूडेंट का रोल नंबर के बाद स्टूडेंट नेम शॉर्ट मैंने करके लिख दिया। अब स्टूडेंट नेम जो आपने लिखा इसको भी आपने फॉर एग्जांपल आपने इसको करेक्टर डिफाइन कर दिया और आपने कह दिया कि फॉर एग्जांपल 30 स्पेलिंग तक लेंथी नेम हो सकता है। इसी तरह आपने फादर नेम डिफाइन कर दिया, उसको भी आपने डेटा टाइप जो सी वो असाइन कर दी। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट नंबर, वो भी आपने डिफाइन कर दिया, डेटा टाइप दे दी। फिर आप क्लास, फिर सेक्शन, ये आप डिफाइन कर दिया आपने। अब ये जो सारा कुछ मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये है एट्रीब्यूट्स।
दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। रोल नंबर भी एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नेम भी एक एट्रीब्यूट है, फादर नेम भी एट्रीब्यूट है, कॉन्टैक्ट भी एक एट्रीब्यूट है, क्लास सेक्शन सो ऑन, इस तरह आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनसे वो बना सकते हैं। अब ये जो आपने एट्रीब्यूट्स बना लिए, इन एट्रीब्यूट्स से मिल के अब जो सा वो बनेगा रिकॉर्ड। तो अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास रोल नंबर था, आपके पास स्टूडेंट नेम था, एस नेम हमने उसको कहा था, आपके पास एफ नेम था, फादर नेम, और ये अब आपके पास कॉलम्स हैं। अब यहां आप स्टूडेंट रोल नंबर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल वन, स्टूडेंट नेम आप लिख देते हैं अहमद, फॉर एग्जाम्पल फादर नेम आप लिखते हैं वसीम। और अब ये जो एक आपने एंट्री कर दी है ये एक्चुअली कहलाएगा रिकॉर्ड, ये कहलाएगा रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है, इसको ट्यूपल भी कहते हैं, ट्यूपल रिकॉर्ड या ट्यूपल हम इसको कह लेंगे। और इसी को हमने एक और नाम दिया, वो था रो। यानी अब ये जो पूरी एंट्री है ये एक रो बन गई है, ये एक रिकॉर्ड बन गया है, ये एक ट्यूपल बन गया है जो सिर्फ एक स्टूडेंट का है जिसका रोल नंबर वन है। इसी तरीके से रोल नंबर टू का आप डेटा फीड करें, इस तरीके से रोल नंबर थ्री का आप डेटा फीड करें, रोल नंबर फोर सो ऑन, आप डेटा जो सा वो फीड करते जाएं। तो रिकॉर्ड नंबर वन, रिकॉर्ड नंबर टू, रिकॉर्ड नंबर थ्री, रिकॉर्ड नंबर फोर, ये इस तरीके से रिकॉर्ड ऐड होते जाएंगे। अब आप देखें रिकॉर्ड नंबर जो वन है, रो नंबर वन है, जो ट्यूपल नंबर वन है, तीनों नाम उसी के ही हैं। रिकॉर्ड नंबर वन या जो आपके पास ट्यूपल नंबर वन है या रो नंबर जो वन है, उसमें मल्टीपल फील्ड्स ऐड हो रही हैं, यानी बहुत सारी फील्ड से मिलके एक रिकॉर्ड बन रहा है, और यानी जिसको आप ट्यूपल भी कहते हैं और रो भी कहते हैं, ये एक ही चीज के नाम है। और फील्ड के लिए हमने तीन नाम यूज किए, हमने उसको फील्ड भी कहा, हमने उसको कॉलम भी कहा, हमने उसको एट्रीब्यूट भी कहा। तो अब ये जो सारा डेटा आपके पास बना, ये सारा डेटा, सारा यानी जिसमें रोज और कॉलम है, यानी ये आपके पास अब जो मैट्रिक्स बना, ये एक्स वाई आपके पास ग्रुप बना, यानी इसमें एक्स भी है और इसमें वाई भी है, रोज भी हैं और इसमें कॉलम्स भी हैं, तो इसको हम कहेंगे टेबल। यानी ये हमारे पास एक एक्स वाई, कहने एक्स वाई हमारे पास टू डायमेंशनल टेबल है जिसमें रोज भी हैं और जिसमें कॉलम भी हैं। ये रोज है ये वाली, इस तरीके से जिनको रिकॉर्ड भी कहते हैं, और ये इस तरीके से जो है ये है कॉलम्स। इसको रिवर्स करके आप दोबारा देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो सी वो क्लियर हो। अब आपके सामने जो स्लाइड है इसको गौर से देखें और आप देखेंगे कि आपको अब इसकी ज्यादा समझ आएगी। तो बुक पे आप इसको रेफर कर सकते हैं 2.2, अगर आपके पास बुक मौजूद है, अदरवाइज आप गूगल सर्च करें और पीटीबी की जो सेकंड ईयर की आईसीएस की बुक है वो डाउनलोड कर लें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फ्री ऑनलाइन अवेलेबल की है पीडीएफ सब बुक्स की। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब देखें ये एम्प नंबर, ये एक फील्ड है, एक एट्रीब्यूट है, ये एक कॉलम है, ये पूरे का पूरा कॉलम। एम्प नंबर एक एट्रीब्यूट है, एम्प ग्रेड एक एट्रीब्यूट है, एम्प डेजिग्नेशन ये भी एक एट्रीब्यूट है, इस तरीके से एम्प डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये भी एक एट्रीब्यूट है, एम्प क्वालिफिकेशन ये एक एट्रीब्यूट है, और इसी तरह बहुत से और एट्रीब्यूट्स, ये एक्स्ट्रा कॉलम मीन के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स। अब हर जो एट्रीब्यूट है उसमें एक ही तरह का डेटा है, यानी एम्प्लाई नंबर में सिर्फ एम्प्लाई नंबर्स हैं, एम्प्लाई नेम में सारे के सारे एम्प्लाईज के नेम होंगे, जो नया आएगा उसका नेम ऐड होगा, ग्रेड में सिर्फ ग्रेड्स हैं, डेजिग्नेशन में सिर्फ डेजिग्नेशन है, एम्प्लाई ज्वाइनिंग ग्रेड में सिर्फ ज्वाइनिंग ग्रेड्स हैं, एम्प्लाई क्वालिफिकेशन में सिर्फ क्वालिफिकेशन है। तो ये इस तरीके से ये जो सेट बन रहा है ये वाला, ये जिस पे मैं आपको कर्सर नजर आ रहा है ये रो है, और जो इस तरीके से ऐसे वर्टिकल ये वाले ये कॉलम्स हैं।
ये क्या है, ये कॉलम्स है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम, दिस इज ऑल्सो अ कॉलम, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम और ये भी कॉलम, और इसमें 1, 2, 3, 4 ये रोज है, ये वाली रो नहीं है, ये तो हेडिंग है कॉलम की, हेडिंग जैसे ये एट्रीब्यूट्स है, तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 और इस तरह हजारों रोज किसी टेबल में हो सकती हैं। तो ये पूरा जो स्केच आपके सामने है जिसमें रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉल्ड अ टेबल, दिस इज कॉल्ड अ टेबल, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ टेबल। सो कॉन्सिक्वेंटली वी समराइज द अबाव डिस्कशन एज फॉलोज, डेटा एलिमेंट्स, द फील्ड्स और डेटा आइटम्स इन डेटाबेसेस आर टर्म्ड एज डेटा आइटम्स, आइटम्स, एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अब देखें ये एक डेटा एलिमेंट है, ये भी एक डेटा एलिमेंट है, एम्प ग्रेड भी एक डेटा एलिमेंट है, एम्प डेजिग्नेशन भी एक डेटा एलिमेंट है, एम्प डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक डेटा एलिमेंट है, एम्प्लाई क्वालिफिकेशन एक डेटा एलिमेंट है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स इन फाइल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज रो और ट्यूपल्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखें तो ये 01 और मदीहा जाफरी सो ऑन, ये जो पूरी लाइन है दिस इज कॉल्ड अ रो और अ रिकॉर्ड और अ ट्यूपल, दिस इज अनदर रो, सेम लाइक दिस इज अनदर रो एंड दिस वन इज एन अदर रो। फाइल्स और डेटाबेस इन डेटाबेस आर टर्म्ड एज टेबल। अब ये जो रोज और कॉलम्स का मजमुआ है यानी पूरा स्ट्रक्चर जो सा ये टेबल कहलाता है, तो टेबल में रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। द कलेक्शन टेबल्स विद सम ट्रेडिशनल फाइल्स एंड सम अदर नेसेसरी डेटा ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज डेटाबेस। ये एक आपके लिए एक नई टर्म यहां पे आ गई कि जो डेटाबेस है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो आपके पास सबसे छोटा यूनिट डेटा एलिमेंट है, उसके बाद रिकॉर्ड है, फिर फाइल है और फिर डेटाबेस है। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रिवाइज करें, आपके सामने है तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। डेटा एलिमेंट्स, द फील्ड्स और डेटा आइटम्स इन डेटाबेस आर टर्म्ड एज डेटा आइटम्स, आइटम्स, एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड्स इन फाइल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज रोज और ट्यूपल्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर, एंड फाइल्स और डेटा सेट्स इन टेबल्स आर टर्म्ड एज टेबल्स। तो फाइल, डेटा सेट और टेबल ये एक ही चीज का नाम है, और जो सेट ऑफ टेबल्स है दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस, सेट ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड अ डेटाबेस। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर जो सा वो कंक्लूड होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।